चौहान निवास आती हैं, जिसके बाद में है जो यहाँ पर है जो भवानी काकू उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, उसे मारने लगती है कि तुम है जो अब तक कहाँ थी और तुम्हें है जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर रिश्तेदार होते हैं जो वो सब भवानी काकू को कहते हैं कि जब तुम्हारी बेटी ही तुम्हारी पोती ही तुम्हारे है जो काम कहना नहीं मान रही और घर पर नहीं है तो वो हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है, तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ है जो रिश्तेदार है जो वो चौहान परिवार को छोड़कर चले जाते हैं और भवानी काकू वो कहते हैं कि ऐसी है लड़की के साथ है जो हम अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ है जो जब छवि घर पर आती है तो भवानी काकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और भवानी काकू है जो सभी को है जो छड़ी से यहाँ पर क्लास लगाने शुरू कर देती है, उसे मारने लगती है, लेकिन निनाद है जो यहाँ पर है जो सभी को बचा रहता है और भवानी काकू को कहता है कि तुम एक बच्ची को कैसे मार सकती हो, ये लड़की है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम खुद औरत होकर एक औरत के ऊपर हाथ उठा रही हो, ये गलत बात है। तो यहाँ पर निनाद है जो जैसे तैसे करके यहाँ पर सभी को बचा लेता है, लेकिन भवानी काकू सभी का हाथ पकड़ कर उसे कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि तुम चली जाओ इस कमरे में और इससे बाहर मत निकलना और नहीं तो खैर नहीं।